एस को हम इनिशलाइज कैसे करते हैं और उसमें डिबगिंग कैसे करना है। अगर कोई आपको स्पा में कुछ नया ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे वो सिखाता हूँ। मतलब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सो आप ही खुद भी डिबग कर सकते हो कि स्पा वर्क कैसा होता है इंटरनली। ओके सो इसके लिए मैं एक ऐप बना रहा हूँ अभी, स्पा टेस्ट करके ऐप बनाया है, वो ब्लैंक ऐप है। इस प्रोजेक्ट पे अगर इसके जो भी मॉडल्स रहेंगे वो मैं शेयर कर दूंगा बाद में, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं किया है अभी। काफी दिख रहा है वो, ये ऐप है। इसके कॉन्फ़िग में जाता हूँ अभी, कॉन्फ़िग भी ब्लैंक है और मॉडल भी ब्लैंक है। ओके सो इसमें एक फर्स्ट मॉडल बनाते हैं हम होम करके। सो इनिशियली हमारे ऐप में कुछ भी नहीं रहता, जेक्वेरी भी नहीं रहती और स्पा भी नहीं रहती। ओके सो हमें स्पा के लिए फर्स्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो है वो जेक्वेरी रिक्वायर्ड है। ओके सो अगर जेक्वेरी नहीं रही तो हमारे स्पा वर्क नहीं होगी, इसलिए हमें जेक्वेरी डालनी ही होती है। सो मैं ऐप का भी कॉन्फिग लिखता हूँ, जस्ट ये बैक एंड सर्विस से कॉपी कर लेता हूँ उसको। सो इस लेआउट में हम क्या क्या डालते हैं, ये ऑसम सीएसएस, ये तो पार्ट हो गए ऐप के ही। सो यहाँ पे मैं जेक्वेरी को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे सीडीएन गेट ऑसम स्टूडियो से मैंने जेक्वेरी ऊपर डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है, इसमें क्या है कि जेक्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। उस फंक्शन में क्या लिखेंगे कि ये जो स्पा V2 जो हमारी लाइब्रेरी है उसको एजैक्स रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको लोड होने के बाद हम अपना स्पा का कोड इनिशलाइज करते हैं। ओके ये तो सबको पता ही होगा, जस्ट मिनट, ये बाकी का कोड भी हटा देता हूँ मैं अनवांटेड। तो ये हमारा मिनिमम लेआउट रहता है। सो ऐप के लेआउट में इतनी चीज़ें रहनी चाहिए। अगर आप ऐप स्पेसिफिक लेआउट यूज़ कर रहे हो या फिर बैकएंड डिज़ाइन में भी रहे तो भी चलेगा। सेव हो रहे हो, लेकिन स्वप्निल, मेरी आवाज आ रही है क्या? स्वप्निल, अरे अरे तो ये जो आपने जो स्क्रिप्ट कॉल किए थे ना लास्ट, अभी जस्ट एक दिन पहले ही ना, उसकी वजह से मैंने भी सेम वही ऐप पे से भी बना रही थी ना, तो ये सारे स्क्रिप्ट कॉल किए थे। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था कि ना, अपना जो साइड का जो स्क्रिप्ट है और वो ऐप का स्क्रिप्ट है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, दोनों लग रहा था, डबल डबल स्क्रिप्ट कर आ रहा था हेडर के लिए, जो नहीं आपने नहीं ऑसम वो अलग एक इशू है, वो थीम की वजह से आ रहा था वो। उसके लिए हमें थीम समझना होगा। ओके सो वो तो अलग पार्ट हो गया, अभी ये इसमें सिर्फ हम स्पा देख रहे हैं। ओके सो आपका जो इशू बता रहे ना वो थीम रिलेटेड था, उसमें कोर का कॉन्फ़िगरेशन लोड हो रहा था उसकी वजह से। सो इस कॉन्फ़िगरेशन में अभी ये मिनिमम स्वप्निल, जस्ट 1 सेकंड, आई विल जस्ट एंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। टीम, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन हेडर इज बीइंग कॉल्ड इन अ पेज एंड व्हेन अ हेडर इज बीइंग कॉल्ड इन अ कस्टम लेआउट। व्हेन वी यूज द लेआउट, ओके, व्हेन वी यूज द लेआउट मॉड्यूल, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। बट द मोमेंट वी आर नॉट यूजिंग लेआउट मॉड्यूल, देन ग्लोबल scripts and global flow starts impacting your workflow. ठीक है, so this is something you have to understand, and I think this is Prashant, this is what I wanted to cover in the next session, कि when, हाँ what is the impact of these things. ठीक है, so Swapnil, continue. सो अभी ऐप का लेआउट क्या रहता है वो तो सभी को पता ही है। इसमें हम क्या करते हैं, HTML
टैग में हेड टैग है और बॉडी में जो भी हमारा ऐप का मॉड्यूल एक्टिव मॉड्यूल रहेगा वो यहाँ पे रन होगा। सो एक्टिव मॉड्यूल इन द सेंस अभी इस केस में ये होम कॉल होगा जो भी आपका यूआरएल में मॉड्यूल रहेगा वो। ओके सो इसमें हेड में मैंने सबसे पहले लाइन लिखी है जेक्वेरी को ऐड किया है, इसके बाद हमें जेक्वेरी अवेलेबल हो जाएगी और उसके बाद ये नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में लिख रहा हूँ। ओके सो ये आइडियली एक ही स्क्रिप्ट टैग रहता है जो हमारा नॉर्मल रहता है, मतलब इसमें टाइप स्पा एक्शन नहीं लिखा होता है क्योंकि अभी तक हमारे पास स्पा लोड नहीं हुई यहाँ तक। सो इस स्क्रिप्ट टैग में हम क्या कर रहे हैं, जेक्वेरी के डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट पे ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन में हम जेक्वेरी के अजैक्स मेथड से हमारे स्पा के स्पा लाइब्रेरी इनिशलाइज कर रहे हैं और उसके सक्सेस पे ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। ओके यहाँ तक समझा सभी को? सो इस फंक्शन में क्या किया है कि स्पा डॉट ऐप डॉट स्टार्ट, सो ये बेसिकली क्या करता है स्पा डॉट ऐप डॉट स्टार्ट। सो इसमें क्या होता है कि हम होम यूआरएल सेट किया है, होम यूआरएल मतलब कि आपका जो भी डोमेन होगा उसका होम यूआरएल। उसके बाद सीडीएन, ये सीडीएन अपना जो भी गेट ऑसम स्टूडियो की सीडीएन की जो बात रहता है ना वो रहता है यहाँ पे, यहाँ तक का सीडीएन डॉट गेट ऑसम स्टूडियो लिप। सो जब भी हम लाइब्रेरीज लिखेंगे हमारी कस्टम उसमें हमें ये फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं रहती और ये एक ही जगह पे रहता है, मतलब आप चेंज भी कर सकते हो उसको बाद में। और यहाँ पे ये पाथ रहता है, पाथ मतलब कि इस ऐप का पाथ। सो अभी मैंने कौन सा ऐप इनिशलाइज किया है, स्पा हाइफन टेस्ट। सो ये जो पाथ रहेगा इस ऐप का वो यहाँ पे चला जाएगा और ये अपना ऐप इनिशलाइज हो गया। और उसके बाद ये एक्टिव मॉड्यूल में जो भी आप स्पा की स्क्रिप्ट लिखोगे वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि हमने स्पा को हेड में इनिशलाइज कर दिया है। ओके सो अभी हम चेक करेंगे, होम मॉड्यूल में मैंने सिर्फ होम मॉड्यूल लिखा है, यहाँ पे चेक करते कॉन्सोल में क्या क्या आ रहा है। सो जेक्वेरी आ रही है क्या, आ रही है, और स्पा भी यहाँ पे लोड हो गई है। ओके सो इसके बाद हम ऐप सॉरी इंटरप्ट के लिए मैं एक यूआरएल देते हैं, गो टू दैट यूआरएल क्या मीटिंग ओपन फाइंड आउट कर ऐप डॉट स्टार्ट इक्वल्स टू ओके ये फंक्शन ओके आता आता तिकडे नाउ गो टू दैट मॉड्यूल नाही हा नाही ज्याच्यात ऐप डॉट स्टार्ट लिहिलंय लेआउट गाइज यू सी हियर वन्स दिस जेएस इज लोडेड आफ्टर दैट इट विल गो टू द सक्सेस इन टू द सक्सेस वॉट एक्झॅक्टली वी आर डूइंग स्टार डॉट ऐप डॉट स्टार्ट दिस इज द की जहां से सारा इंजिन अब स्टार्ट होने वाला है राइट स्पा डॉट ऐप डॉट स्टार्ट में क्या हो रहा है नाउ यू कैन गो टू दैट जेएस एंड यू विल सी दैट व्हाट एक्जेक्टली इट इज डूइंग देयर बराबर है तिकडे। सो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग लिखा है। ओके जो भी आपकी स्क्रिप्ट रहेगी ये सैम्पल स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। सो ये एक्चुअली एग्जीक्यूट को कैसे होती है वो बताता हूँ, ये तो ब्राउजर तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके सो जब हम हेड में रहते हैं उसमें जब हम स्पा डॉट ऐप डॉट स्टार्ट बोलते हैं ओके सो ये करता क्या है वो हम देखेंगे। सो स्पा डॉट ऐप डॉट स्टार्ट में क्या लिखा रहता है कि सो यहाँ पे जब आएंगे हम यहाँ पे क्या क्या है डॉलर डॉट वेन। ओके सो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया रहता है गेट सीडीएन लीप करके, ये क्या करता है सीडीएन सर्वर से अपनी एक लाइब्रेरी लाएगा, कौन सी लाइब्रेरी, लोडर नाम की लाइब्रेरी जो भी अपना स्पा का लोडर आता है ना वो वाला, ये वाला। सो ये जो लाइब्रेरी रहती है इसको लोड करता है और उसके बाद वो लोडर लोड होने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। सो इसमें क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लिखा है स्पा डॉट लोडर डॉट शो। सो ये क्या करेगा कि वो लोडर लाइब्रेरी ने जो लोडर लोड किया रहता है दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ड्यू आईडी स्पिनर। ओके इनिशियली ये डिस्प्ले नन रहेगा।
सो इसी लोडर लाइब्रेरी में एक फंक्शन रहता है शो करके, वो फंक्शन क्या करेगा, वो ड्यू को डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा और उससे हमें वो लोडर दिखने लग जाएगा। सो यहाँ पे अभी हम लोडर दिखा रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि स्पार डॉट कॉमन डॉट पार्स एक्शंस। सो ये पार्स एक्शंस फंक्शन क्या रहता है, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी सारी एक्शंस रहेंगी, मतलब ये वाली, ओके, ये सब अभी मुझे एरे में मिल जाती है, सीरियल प्रोमिसेस के क्यू रहता है उसमें हमें मिल जाती है, और उसको लेने के बाद ये अभी उस उन एक्शंस को पार्स करने लग जाता है, ओके, मतलब ये जो भी फंक्शंस रहेंगे इसमें वो सारे एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, और वो सारे फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे इस उन वो रिटर्न प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और उसके सक्सेस पे हम ये दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, स्पार डॉट लोडर डॉट हाइड, ओके। सो इसमें कहानी समझ में आई अभी हमें, कि जो भी मेरे एक्शंस रहेंगी वो सारे एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से स्पा का लोडर अभी हाइड कर देता है, ओके। सो अगर आपको और डीप में जाना है तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पार्स एक्शन क्या करती है ये फंक्शन। बताइए ना। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये कॉमन करके एक लाइब्रेरी है स्पार्क की, हाँ, जो भी हम नॉर्मल लाइब्रेरी लिखते हैं वैसी ये भी लाइब्रेरी, उस कॉमन लाइब्रेरी में ये पार्स फंक्शन लिखा हुआ है। उसमें क्या रहता है कि नोड्स और पेरेंट नोड दिया रहता है, तो अभी अभी तो हमने डॉक्यूमेंट पास किया था, और वो क्या करेगा, ऑल नोड्स, मतलब उसमें जितने भी सारे नोड्स का लूप करेंगे, और उसमें अगर किसी नोड को अगर ये एट्रीब्यूट है एक्शन करके, सो अभी आपका एक्शन एट्रीब्यूट आप ड्यू को दे सकते हो, बटन को दे सकते हो, या फिर स्क्रिप्ट टैग को, कोई भी एलिमेंट रहने दो HTML का, उसको अगर एक्शन एट्रीब्यूट है तो वो क्या करेगा, ये एक्शंस में एक्शंस नाम का जो भी यहाँ पे ये बना है उसमें वो डालते जाएगा, ओके। और बाद में क्या करेगा वो इन एक्शंस को, वो ये जो नोड्स रहेंगे नोड्स को ईच करने के बाद दिस डॉट इज एक्शन। सो इज एक्शन मतलब क्या है, ये भी फंक्शन है जो कि jQuery की प्लगइन रहते हैं ना, उस तरह से ऐड किया गया है। अगर आप ऊपर जाओगे यहाँ पे देखोगे कि ये jQuery का फंक्शन कॉल किया गया है, उसमें क्या क्या है कि डॉलर डॉट एफ एन डॉट इज एक्शन। सो हर एलिमेंट को एक इज एक्शन करके हम फंक्शन असाइन कर रहे हैं, वो क्या करेगा, अगर उसको ये एट्रीब्यूट है किसी उस एलिमेंट को एक्शन नाम से, तब वो रिटर्न ट्रू कर देगा। सो अभी हमने यहाँ पे चेक किया कि इस नोड को एक्शन है क्या नहीं, सो अगर एक्शन होगी तो वो एक्शंस में ऐड करते जाएगा, और उसके बाद क्या क्या है, ये प्रॉमिसेस का एरे बना है यहाँ पे, नॉर्मल एरे है, और उस एरे में हम क्या करते हैं, वो सारे एक्शंस को डाल देते हैं, ठीक है, प्रॉमिसेस डॉट पुश, और बाद में वो प्रॉमिस उसमें पुश करने के बाद वो उस ऐड होने के बाद हम कॉमन लाइब्रेरी से एक्शन रन कर देंगे, रन एक्शन नाम का फंक्शन, ओके। सो ये सब इंटरडिपेंडेंट है उसमें, सो अगर आप खुद से खोल के देखोगे तब आपको एक एक करके पता चल जाएगा उसमें, ओके, डिबगिंग कर करके। सो ये रन एक्शन क्या, रन एक्शन फंक्शन क्या करेगा कि उसका टैग नेम लोअर केस में कर देगा, सो उससे हमें क्या पता चलेगा, आपकी जो भी लाइब्रेरी फंक्शन लिखा रहेगा यहाँ पे, जैसे कि ये कोर डॉट रन स्क्रिप्ट है, वो मिल जाएगा, और अगर वो कोई एक्शन लिखा नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट कोर डॉट डिफॉल्ट सेट कर देता है, ओके, और उसको उस एक्शन को वो स्प्लिट करता है यहाँ पे, किससे स्प्लिट कर रहा है, वो डॉट से, अगर वो डॉट नॉट इक्वल टू टू है तो वो इज रॉन्ग प्रिंट कर देगा। सो ये पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था, सो अगर यहाँ पे ऐसी कोई एक्शन ही नहीं रहती, ओके, सो एक्शन जो भी रहेगी उसमें डॉट से वो सेपरेट की गई रहनी चाहिए, और उसके दो पार्ट रहने चाहिए, तभी वो अपनी जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट कर पाएगी, ओके। So, इस तरह से वो पूरा फ्लो आगे जाता रहता है, ओके। सो इसमें ये बाकी के फंक्शन अभी मैंने देखे नहीं है, बट इसमें जितने भी स्पा लाइब्रेरी है उसमें से सिर्फ आपको आधा ही कोड रीड करने की जरूरत है, सो उससे आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है, ओके। सो अभी इसके नीचे ओके, सो ये पैरेलल प्रॉमिस का फंक्शन है। सो ये फंक्शन क्या करता है,
आपके जो भी ये स्क्रिप्ट टैग रहते हैं वो सारे अभी ये ऑन एनोनिमस फंक्शंस बन जाते। सो ये कॉन्सोल डॉट लॉग सैम्पल ये एक्चुअली वर्क कैसे होगा, इस तरह से जाएगा वो। इस तरह से and when we use spa.common.console.log तब वो कैसे रन होगा फिर? spa.console. हाँ, क्योंकि spa का भी console log है ना वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, सो ये क्या किया गया है, यहाँ पे spa.console करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें ये log नाम का फंक्शन डाला है। सो log नाम का फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन है वो। ओके, सो ये भी बेसिकली कॉन्सोल डॉट लॉग ही करता है। ओके, बस उसमें वो स्पार डॉट कॉमन डॉट गेट फंक्शन कॉल किया गया है इस ऑब्जेक्ट पे। सो वो चेक करना होगा क्या होता है उस, मैंने यूज नहीं किया ये कभी। नहीं, वो तो हमारे कॉन्सोल डॉट लॉग की तरह ही यूज होता है। इट इज लाइक शोइंग द आउटपुट एज कॉन्सोल लॉग डॉट ओनली, बट इफ देयर इज एनी डिफरेंस लाइक यू आर सेइंग दैट व्हेन वी यूज अ कॉन्सोल डॉट लॉग it is getting as anonymous block. So while we are using spa.console.log, it is also creating anonymous block, or it is considering that particular thing as an object and a method. उसमें एक मिनट, ये स्पार डॉट कॉमन डॉट गेट फंक्शन जो है ना वो उस पर कॉल किया गया है। सो वो फंक्शन एक्चुअली करता क्या है वो देखना होगा उससे पहले हमें, तभी हम सो इसमें क्या किया गया है, ओ डॉट पीसेस डॉट गेट। सो उसमें स्पा का इनबिल्ट फंक्शन जो है ना ये गेट, वो उसको आउटपुट प्रोसेस करता है इसका। ओके, सो इसमें देखना होगा, मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली क्या करेगा उसमें। सो आप नॉर्मली कॉन्सोल डॉट लॉग भी यूज़ कर पाओगे और वो भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसमें ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये फंक्शन जो है हमारा स्क्रिप्ट टैग वो एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होता है वो। ओके, सो ये जो कॉन्सोल डॉट लॉग है ना, ये नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में मैंने ऐसे लिखा उसको कॉन्सोल डॉट लॉग, सो ये एज इट इज ऐसे ही वर्क होगा वो। ओके, बट जब हम उसको स्पा के एक्शन और को स्पा से रन करेंगे, ओके, इस अगर एट्रीब्यूट इस अगर स्क्रिप्ट टैग में उसको डाला है इसको, तो वो इंटरनली ऐसे बन जाएगा। ये जो फंक्शन है ना, इस तरह से वो एनोनमसली रन होगा। ओके, सो इस दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये पता है क्या आपको, क्या आ सकता है इन दोनों में डिफरेंस? अगर मैं नॉर्मली ऊपर कॉन्सोल डॉट लॉग ऐसे लिख रहा हूँ और स्क्रिप्ट टैग में अगर लिखा है, सो दोनों में एक्चुअली डिफरेंस कैसे आएगा, क्या डिफरेंस होगा ऐसे? वो जो कॉमन वाला ऑब्जेक्ट है वो नहीं मिलेगा ना अपने को नॉर्मल स्क्रिप्ट में जो स्पा का है। क्या मैं समझा नहीं? वो जो स्पा के साथ एक अपन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना कॉमन, वो मिलेगा नहीं कॉमन इसमें। ठीक है, वो बताता हूँ। सो ये स्पा हम यहाँ पे थे फिर से स्पा डॉट ऐप डॉट स्टार्ट पे। ओके, सो ये फंक्शन एक्चुअली क्या करता है वो तो अभी हम समझ गए कि वो इंटरनली क्या करता है कि जितने भी एक्शंस रहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में वो सारे लेके एक एक करके उसको स्पार्स करते जाता है। ओके, ये समझ गए ना? सो इसमें इंटरनली क्या होता है वो हम डीप अंडरस्टैंडिंग करके देख सकते हैं। सो उसके लिए आपको खुद को ही चेक करना होगा कि क्या होता है। मैं जस्ट अभी वो ऊपर ऊपर बताता हूँ। सो ये स्पा डॉट ऐप डॉट स्टार्ट ने अभी क्या कर दिए, सारे एक्शंस को उसने रन कर दिए। सो अभी स्पा में अगर मुझे कुछ कोड लिखना है तो ये इस तरह से ही लिखना होता है मुझे, टाइप स्पा एक्शन और कोड डॉट रन स्क्रिप्ट से। ओके, सो ये ब्लॉक क्या करता है कि उसको एनोनिमस फंक्शन बना देता है और उसके अंदर ये रन होता है। सो इसका मीनिंग क्या है कि इस और इसके ये क्या बोलते हैं उसको डिसएडवांटेज क्या है कि आप क्या नहीं कर सकते इस स्क्रिप्ट टैग के साथ, वो बताता हूँ मैं। सो अगर आप इस स्क्रिप्ट टैग में कोई नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, ग्लोबल वायर क्रिएट किया है। ओके, और इसको टेस्ट वैल्यू असाइन कर दिया और उसको यहाँ पे लॉग कर दिया, और उसके बाद
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं, ये टेस्ट यहाँ पे हमें कॉन्सोल में दिख गया लॉग में, ओके। अभी ये ग्लोबल वायर में कॉन्सोल पे चेक करता हूँ कि दिखता है या नहीं मुझे कुछ। सो यहाँ पे उसने टेस्ट वैल्यू दे दी, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वायर का स्कोप क्या है, यहाँ पे क्या था इसका स्कोप? ग्लोबल स्कोप था उसका, ओके। तो वो पूरे आपके पूरे जावास्क्रिप्ट में वो अभी एक्सेसिबल रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में लिख रहा हूँ मैं अभी, ओके। सो इसलिए ये जितने भी आप जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज इंक्लूड करोगे उन सब में ये ग्लोबल वायर आपको एक्सेसिबल रहेगा, क्योंकि मैंने उसको ग्लोबली ऐसा किया है, ओके। और अगर सपोज आपने कोई फंक्शन बनाना है जिसमें ये वेरिएबल मुझे सिर्फ इसका उस ब्लॉक के लिए अवेलेबल रहना चाहिए, ग्लोबली अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, ओके। जैसे कि जेक्वेरी अगर लाइब्रेरी आप पढ़ोगे तो उसमें वो रैप करके रखते हैं एक फंक्शन के अंदर, सो बाकी के जो भी इंटरनल वेरिएबल्स रहते वो आप किसी दूसरी लाइब्रेरी के साथ इंटरफेयर नहीं हो सकते। सो अगर नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहे तो उसमें हम कैसे करेंगे कि एक फंक्शन लिखेंगे, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया टेस्ट इक्वल टू फंक्शन, और उस फंक्शन में मैंने ये लॉक कर दिया, और इसके नीचे मैंने अभी ये टेस्ट फंक्शन को रन किया, ओके। सो ये टेस्ट मुझे दिख रहा है, बट अभी अगर मैंने ग्लोबल वायर यहाँ पे चेक किया कॉन्सोल में तो वो यहाँ पे अनडिफाइंड बोल देगा, ओके। क्यों? एरर दे देगा वो, सॉरी, हाँ, क्योंकि इसका स्कोप जो था ये अभी ये फंक्शन के अंदर ही है, ओके। तो इस फंक्शन के अंदर होने की वजह से वो अभी मुझे बाहर एक्सेसिबल नहीं रहेगा। सो अभी ये जो फंक्शन है इसका नाम दिया है टेस्ट करके, बट इसको मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं देना, सो एनोनमसली उसको रन करना है। तो वो कैसे करते हैं, इस तरह से करेंगे हम। सो अभी ये कोड जो है इसको हमें फिर से रैप करना होता है कर्ली ब्रेसेस, इसमें ब्रैकेट्स में रैप करना होगा उसको। अभी ये एनोनमस फंक्शन बन गया, इसको कुछ नाम वगैरह दिया नहीं है, और ये सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको कोई दूसरा आदमी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं नाम? इसको बोलते हैं इमीडिएट इन्वोकेशन फंक्शन एक्सप्रेशन आउटपुट। ये होता है कि जब हमें कोई एक फंक्शन जैसे डू व्हाइल करते हैं तो डू हो जाना चाहिए एंड देन व्हाइल वर्क्स, राइट? तो वैसे ये होता है, this is the expression actually means what exactly you are writing into the parenthesis. So isme jo function likha gaya hai, this is the object now, ye function ka object you are now wrapping the parenthesis, uske aage aap parenthesis de rahe ho, to parenthesis ka matlab hai isko call kare. So jaise ye function read hota hai, iska syntax matlab three types ka syntax check, matlab three types mein loading hota hai. First syntax check hota hai jo loading time pe hota hai, dusra रन टाइम पे होता है, और तीसरा लॉजिकल, जब लॉजिकल चलता है तब होता है। सो नाउ दिस इज द इमीडिएट इन्वोकेशन। इमीडिएट इन्वोकेशन मीन आपने फंक्शन लिखा एंड देन यू जस्ट राइट की पैरेंथेसिस दे दिया, तो दिस इज एक्चुअली सेम लाइक फंक्शन एक्स, उसके आगे आपने पैरेंथेसिस दिया एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में फंक्शन लिखा, और नीचे आप लिखते हो एक्स एंड देन पैरेंथेसिस लिख के आप सेमीकोलन देते हो, इट मीन्स एक्स को एग्जीक्यूट करें, द सेम थिंग, फंक्शन खत्म किया और उसके बाद पैरेंथेसिस दिया तो इमीडिएट इन्वोकेशन हो गया, वो जैसे खत्म होगा कॉल हो जाएगा तुरंत। प्रशांत सर, अब पैरेंथेसिस शुड बी आउटसाइड ऑफ दैट ब्रैकेट, राइट? देन ओनली वी टू पास दैट डॉलर, देन ओनली वी कैन पास, राइट? दैट क्लोज, दैट टू पैरेंथेसिस शुड बी आउटसाइड, राइट? वो बाहर होना चाहिए, सो वो कॉल करता है उसको। सो ये जो भी लिखा है उसके अंदर ये क्या हो गया अभी, फंक्शन ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, ओके। इसके अंदर जो भी लिखा है मैंने उसको, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, और ये अगर बाहर रहता है इसे, सो ये अभी मेरा स्टेटमेंट हो गया, ओके। सो इसमें स्टेटमेंट में क्या रहता है कि जावास्क्रिप्ट इंटर जब वो रन होता है सो वो चेक करता है कि फंक्शन और ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, सो ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज होने के बाद उसको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट क्लोज हो गया, और उसके बाद अगर मैंने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस ये ब्रैकेट्स लिखे तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि वो इसको ऐसे प्रिटेंड करता है। सो जब मेरा ये फंक्शन ऐसे
लिख दिया मैंने, और उसके बाद अगर मैं इसको इस तरह से अगर रन करना चाहूँगा तो वो ये एरर दे देगा, क्योंकि वो इंटरनली इस तरह से उसको देख रहा होता है और उसको इसका मीनिंग पता नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है। सो इसलिए अभी ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। सो इस स्टेटमेंट को अगर हमें रन करना है तो उसको हमें एक्सप्रेशन बनाना होगा। सो जब हम कर इसको ब्रैकेट्स में डाल देंगे, सो अभी ये क्या हो गया इंटरनली, ये एक्सप्रेशन हो गया। ओके, और ये उसको जावास्क्रिप्ट को पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक्सप्रेशन, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस तरह से वो इंटरनली हैंडल करता है उसको। सो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये फंक्शन अभी ये ग्लोबल वेयर जो है मेरा, ये मुझे बाहर एक्सेसिबल नहीं रहेगा यहाँ पे। ओके, सो ये नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में अगर करना हो हमें, सो वो इस तरह से रन होता है। सो हमारे स्पा में क्या होता है कि आप इसके अंदर जो भी कोड लिखते हो वो इसी तरह से एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो ये जो भी कोड है इसके बाहर ये फंक्शन ऐड हो गया है, ऐसे हम समझेंगे। सो इससे हमें अंडरस्टैंडिंग आ सकेगी कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। सो अभी ये कोड मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे डाल दिया। ओके, लेट ग्लोबल वेयर इक्वल टू टेस्ट एंड कॉन्सोल डॉट लॉग ग्लोबल वेयर, इसने यहाँ पे टेस्ट को लॉक कर दिया है। बट अभी अगर मैंने ग्लोबल वेयर यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो ये क्या देगा मुझे, आउटपुट क्या आएगा अगर यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेयर अनडिफाइन नहीं आना चाहिए। और अनडिफाइन कब आता है, जब हम इसको कहीं पे डिफाइन कर रहे हैं। Okay, अगर ग्लोबल स्कोप में ये डिफाइन है कहीं पे तब वो मुझे अनडिफाइन देगा ना, बट ये कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, ये तो किसी एनोनिमस फंक्शन में डिफाइन है, तो वो ग्लोबल स्कोप में उसको एक्सेसिबल मतलब उसका पता ही नहीं रहेगा ये क्या है, तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। ओके, अनकॉफ रेफरेंस एरर, ग्लोबल वेयर इज नॉट डिफाइंड। तो ये कोड और ये जो नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में लिखा था वो दोनों कोड में अभी हमें डिफरेंस पता चल गया है। ओके, इसमें कुछ इशू नहीं है। इफ अगर ये जो लेट ग्लोबल वायर है ये हम स्पा से एक्सेस करें तो अच्छा नहीं। हाँ, आता हूँ मैं तेरे क्वेश्चन पे, बट इन दोनों में अभी हमें डिफरेंस पता चल गया ना दोनों का क्या है। ठीक है, तो प्रतीक तुम ये कह रहे हो कि अभी मैंने दूसरा स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है और उसमें मैं ग्लोबल वायर को प्रिंट करता हूँ, ऐसे ना, तो ये अभी एग्जीक्यूट होगा या नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। नहीं नहीं नहीं, मतलब वहाँ पे लेट ग्लोबल वायर स्पा डॉट अगर एक वेरिएबल दे हम बताता हूँ वो भी, बट इस केस में क्या होगा अभी अनडिफाइंड देगा वो। वो जो भी कोड रहेगा वो कैसे एग्जीक्यूट होता है इंटरनली, वो एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। सो ये एनोनिमसली रन होगा। सो ये जब यहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है तो ये फंक्शन भी खत्म हो गया ना, राइट वो बाहर नहीं लेगा दूसरे इसमें नहीं। मैंने फिर से दूसरी स्क्रिप्ट टैग ओपन की। सो अभी ये स्क्रिप्ट टैग ओपन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे दूसरा एनोनिमस फंक्शन क्रिएट हो गया, बराबर। तो इस एनोनिमस फंक्शन में ऊपर के फंक्शन के वेरिएबल्स में एक्सेस कर पाऊंगा क्या? नहीं ना, तो फिर मैं इधर नहीं। सो अभी इस केस में आउटपुट एरर क्या देगा, मतलब क्या आउट प्रिंट करेगा या अनडिफाइन देगा या एरर थ्रो कर देगा? एरर थ्रो करेगा, वो अनडिफाइन करेगा, अनडिफाइन रेफरेंस, क्योंकि ये दोनों भी डिफरेंट फंक्शन है और दोनों का स्कोप अलग अलग है। सो इस फंक्शन के वेरिएबल्स यहाँ पे मुझे एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। ओके, इसलिए वो ये ग्लोबल वेयर को यहाँ पे रेफरेंस एरर दे देगा, वो ये ग्लोबल वेयर इज नॉट डिफाइंड। ओके,
सो अभी अगर मुझे ये ओवरकम करना है, जैसे कि अभी प्रतीक बोल रहा था तू कि कैसे करेंगे हम, बट मुझे एक्सेस ही करना है वो, सो कैसे कर सकूंगा मैं? तो स्पाडा ग्लोबल वायर इक्वल टू टेस्ट कर दो, डिक्लेयर इट एज वायर एज वेल, डिक्लेयर इट एज वायर. एग्जैक्टली. सो अभी क्या होगा फिर सूरज, अगर मैंने उसको वायर कर दिया, सो इस केस में क्या होगा? अब सोचिए, मैं यहाँ पे कोड एग्जांपल दिखता हूँ. क्या होगा बताओ ना, वायर अगर लिखा है तो क्या होगा वो? सो वायर इज अ ग्लोबल स्कोप एक्चुअली, सो इट शुड हैव टू प्रिंट इट. सेकेंड कंसोल उसमें तो नहीं करना चाहिए प्रिंट, क्योंकि ओके. सो ये दोनों का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरनली एग्जीक्यूट कैसे होगा. सो ये फर्स्ट मेरा ये फंक्शन रन हुआ, इसमें मैंने क्या किया, फंक्शन में लिखा है कि वायर ग्लोबल वायर इक्वल टू टेस्ट. ओके, इसको असाइन किया, इसको डिक्लेयर किया एज अ वायर, और दूसरा फिर से अगर दूसरा डिफरेंट फंक्शन बनाया और उसमें मैं इसको लॉग कर रहा हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ. सो अभी ये क्या एरर देगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा? हो जाएगा, ये नॉर्मली एज अ फंक्शन यहाँ पे कंसोल में ही डंप करता हूँ. सो हाँ, अभी यहाँ पे हमें आउटपुट पता चलेगा क्या होगा सूरज. सो फर्स्ट इज फंक्शन वायर इज ग्लोबल टेस्ट एंड सेकंड इज कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल वायर, इट शुड हैव टू प्रिंट टेस्ट. ओके, सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल? That's a global scope actually. And there no, in the no. Global, it's not a global scope. It's for the scope is for this block. Okay, so is global where का scope is सिर्फ इस function तक ही रहेगा, इसके बाहर भी नहीं आएगा. So आप यहाँ पे where लिखो या फिर let लिखो. Okay, इसका scope सिर्फ इतना ही रहेगा. So अभी यहाँ पे मैंने where भी लिखा ना, तो भी ये मुझे यहाँ पे global where में error ही throw करेगा. Okay. Not defined. Okay. Okay, that I wasn't aware about that. So, उसको फंक्शन के बाहर डालना पड़ेगा. हाँ, फंक्शन के बाहर डाल सकते हैं. ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट लेवल का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? So, अभी यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ मैं, हम कैसे कर पाएंगे. सो इस यहाँ पे इस ब्लॉक में मुझे कौन कौन से ग्लोबल वेरिएबल्स को मैं एक्सेस कर पाऊंगा? विंडो डॉट, कैन वी यूज विंडो डॉट? यस यस. सो मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से हम ग्लोबल वेरिएबल्स यूज कर पाएंगे यहाँ पे. ओके, सो एक हो गया विंडो, क्योंकि वो ब्राउजर का ही वेरिएबल, ब्राउजर की तरफ जाता है, तो वो मुझे यहाँ पे भी वो एक्सेसिबल रहेगा ही. ओके, बाद में मेरे पास क्या है, jQuery, ये मेरी ग्लोबली एडेड है, सो मेरे पास jQuery भी अवेलेबल रहेगी यहाँ पे. ओके, ये भी वेरिएबल से मिल ही जाएगा. और उसके बाद कौन सा आएगा? स्पा आएगा. क्यों आएगा स्पा? क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जब हमने हेड पे उसको लोड किया है Ajax से यूज करके, जैसे आपने बताया था पहले. तो जब हमने उसको लोड किया है ना, सो वो नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग से लोड किया है. ओके, सो इससे क्या हो रहा है कि वो इसका जो स्कोप है स्पा लाइब्रेरी का, वो ग्लोबल है. सो जो भी स्पा का ऑब्जेक्ट रहेगा वो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा. सो उसकी वजह से मैं बाकी के भी जो भी फंक्शन रहेंगे वो उसको एक्सेस कर पाऊंगा. सो स्पा का कोई भी फंक्शन में इस टैग में रन कर पाऊंगा. ओके, स्पा डॉट कॉम में से कोई भी, या फिर पेज डॉट प्लेस, ये सारे फंक्शन में यहाँ पे यूज कर पाऊंगा, क्योंकि स्पा जो है वो ग्लोबली ग्लोबल स्कोप है उसका. तो अभी मुझे अगर ग्लोबल वायर यूज करना है, वो अगर मेरे दो तीन स्क्रिप्ट टैग्स में आ रहा है, सो मैं उसको क्या करूँगा, स्पा डॉट ग्लोबल वायर इस तरह से अगर मैंने लिखा, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा या एरर देगा ये? एग्जीक्यूट तो होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्लोबल वायर है ये अभी हमने क्या किया है, स्पा के अंदर ये डाल दिया है, जो कि ग्लोबली अवेलेबल है. सो यहाँ पे भी वो मुझे अवेलेबल रहेगा.
ओके और ये जो भी हमारे कंसोल में प्रिंट होता है ये सारे लॉग्स रहते हैं जो स्पा इंटरनली प्रिंट कर देता है कंसोल में। सो अभी यहाँ पे अगर आपने चेक किया होगा जब मैंने स्क्रिप्ट टैग को नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में लिखा था और उसमें कंसोल में लॉग किया था टेस्ट ओके सो ये लॉग होने के बाद इसके नीचे ये भी आना चाहिए ना कंसोल डॉट लॉग इन स्पा। ओके सो अभी यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है और जो हमारा इन स्पा था वो सबसे लास्ट में आया है। सो ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये ब्राउजर पहले ही एग्जीक्यूट कर देता है और जब हमारा जेक्वेरी इनिशियलाइज होने के बाद रेडी इवेंट फायर होता है उसके बाद हमारी स्पा लोड होती है और स्पा के बाद जब ऐप स्टार्ट होता है सो उसके बाद जाके ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके ओके सो इसलिए ये दोनों में ये डिफरेंस रहता है कि जो नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग में लिखा रहता है वो ब्राउजर पहले ही एग्जीक्यूट कर देती है। सो इसमें अगर जो बताओ तो ये जो सेकंड स्पा वाला स्क्रिप्ट टैग है तो ये नॉर्मल ब्राउजर भी करता होगा ना एग्जीक्यूट? नहीं 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 ये ब्राउजर को पता नहीं चलता। नहीं ओके ओके ठीक है। तो ब्राउजर को क्या बताया गया है कि स्क्रिप्ट टाइप यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट हुआ तो ही तभी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। ओके बट हमने ये हमारा कस्टम टाइप यहाँ पे डिफाइन किया है सो ये ब्राउजर को एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके नहीं तो फिर हमारी सब जावास्क्रिप्ट डबल डबल एग्जीक्यूट हो जाती थी। So we are delaying our execution and whatever the things that we want to run which is dependent on spa that we can put it inside the core.run script. So haan so jo bhi hamara javascript ka code rehta hai wo isme hi dalna hota hai hame more rarely aap script type use karoge bahar but normally isme hi use karne ka. So abhi humne yaha pe dekha ki ये कैसे एग्जीक्यूट होता है कोर डॉट रन स्क्रिप्ट और इसका एग्जीक्यूशन ही देखा है बाद में भी मैं फॉर्म बताता हूँ अभी कि फॉर्म को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम। ओके फॉर्म्स कैसे रहते हैं स्वप्निल बिफोर दैट कैन यू एक्सप्लेन दैट पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे करना है? ओके सो वो सीरियल प्रॉमिसेस का हाँ सीरियल और पैरेलल का जो है ना वो एक एक्सप्लेन कर हाउ कैन वी रन द कोड स्क्रिप्ट कोड इन पैरेलल बट वो मतलब ऐसे कभी यूज नहीं किया है उसको क्योंकि वो बग दे सकता है क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाती इसलिए बता तो नहीं हाँ ठीक है मतलब मेरे को मेन एग्जांपल चाहिए क्योंकि वो अपन इम्प्लीमेंट करने वाले थे बाद में उसमें कुछ किया ही नहीं इसलिए नहीं किया है ना नहीं ना कहाँ पे किया इस पे सिंगल पेजेस के लिए इस पे एग्जीक्यूट किया ना तूने? नहीं उसको किया नहीं था मैंने बाद में कि वो लाइब्रेरीज में इशू कर रहा था मतलब उसके लिए लाइब्रेरीज भी उसी तरह से लिखनी होगी उसी फॉर्मेट में कि पैरेलल में अंदर रन नहीं होनी चाहिए लाइब्रेरीज वो कर सकेंगे थोड़ी ये करना होगा उसके लिए। सो अभी ये जो भी मैंने मॉड्यूल में लिखा है सो ये अभी इंटरनली रन कैसे होगा सो ये जो ये एक यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बन जाएगा वो मेरे एक एरे में चला जाएगा ये दूसरा एरे में चला गया ये तीसरा एरे में चला गया यहाँ तक आए और वो एरे को स्पा क्या करते इंटरनली उसको सीरीज में एग्जीक्यूट करते जाएगी एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा दूसरा होगा तीसरा होगा चौथा होगा इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। सो इसमें क्या होता है कभी कभी अगर आपका ऐप या फिर पेज बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट टैग्स है तो उससे क्या होता है कि और आपने किसी बटन्स को बहुत सारे एक्शंस बाइंड किए गए हैं सो उस केस में वो टाइम ज़्यादा लेता है ओके क्योंकि वो सारे सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे होते। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा तो भी चेक देख पाओगे ओके सो अगर यही अगर आपने नॉर्मल स्क्रिप्ट ने लिखा कंसोल डॉट लॉग एक के नीचे एक सो वो इन फ्रैक्शन वो सारे कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। सो ये इसको हम कैसे पैरेलली एग्जीक्यूट कर पाएंगे वो अभी बताता हूँ मैं। हाँ
तो ये जो फंक्शन देख रहे हो आप यहाँ पे spa.common.linear-promises, इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, एरे आ रहा है. ओके, सो ये एरे में हमने क्या चेक किया, एरे की लेंथ अगर 0 है तो वो रिजॉल्व कर देगा ऊपर ही, और इसके नीचे आएगा अगर एरे में कुछ है तो वो क्या चेक करेगा, फर्स्ट एलिमेंट लेगा एरे से और उसको यहाँ पे ये पैरेंथिस लगाए, मतलब यहाँ पे हमें समझ रहा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो भी रहेगा एरे में वो फंक्शन है, उस फंक्शन को इसने रन कर दिया. और उसके बाद देन में क्या किया है, एरे को शिफ्ट किया गया है, पहला एलिमेंट हटा दिया हमने और ये फिर से वन प्रॉमिस फंक्शन हमने कॉल किया. वन प्रॉमिस फंक्शन में फिर से आएंगे हम, एरे की लेंथ चेक करेंगे, अगर 0 है तो वो रिजॉल्व कर देगा, अगर 0 नहीं है फिर से इसमें आएगा फिर से फर्स्ट एलिमेंट निकालेगा. और इस तरह से वो जो ये जो हमारा एरे बना था 7 एलिमेंट्स का वो एग्जीक्यूट होते जाएगा. ओके, अगर इसमें अगर एरर दे दिया डॉलर डॉट वेन ने, इसमें अगर कुछ एरर आ गया मुझे एग्जीक्यूशन में, सो ये डी डॉट रिजेक्ट हो जाएगा और एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो ये जो है ये लीनियर प्रोमिसेस में वो लीनियरली एग्जीक्यूट होते रहते हैं सारे फंक्शंस. अगर उसको अगर हमने पैरेलल प्रोमिसेस से अगर यूज़ किया, यहाँ पे देख रहेगा आप spa.common.parallel-promise, सो इससे क्या होगा कि इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे भी एरे ही आता है और वो एरे में हमने क्या किया है, प्रॉमिस एरे डॉट पुश, और यहाँ पे ये सारे जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाते. सो इससे आपका ये जो भी जितने भी ये सारे फंक्शंस थे वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इससे आपका एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाएगा. बट इसमें इशू यही है कि अगर आपने कोई यहाँ पे लाइब्रेरी लिखी हुई रहेगी, जो भी आपकी स्पा सपोज स्पा डॉट मैनेज API लिखी है, सो उसमें अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट के रिसोर्सेस या फिर CSS लोड कर रहे हो एक्सटर्नल CDN से या फिर अपने CDN से, और उसको दूसरी स्क्रिप्ट टैग में अगर उस लाइब्रेरी का फंक्शन रन किया तो यहाँ पे वो एरर दे देगा, क्योंकि अभी ये दोनों भी पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे थे. सो उस केस में क्या होता है कि ये मेरा रिसोर्स पूरा लोड भी नहीं हुआ है और उसके पहले ही मैं उसको एक्सेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, सो वो एरर दे देता है, इसलिए वो पैरेलल में मतलब वो ऐसे किया नहीं था. बट आप उसको पैरेलली रन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये कंसिडर करना होगा कि आप कोई भी लाइब्रेरी पहले ही लोड करनी होगी आपको. ओके, सो ये कभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि इसको कैसे करेंगे. मैंने पैरेलल इज इक्वल टू यस किया था, बट वो कहीं पे भी कोड ये नहीं है. ओके, इंक्लूडेड नहीं है. मैंने चेक करता हूँ मैं. नहीं, इसमें कोड नहीं, मैंने हटा दिया था उसको बाद में. उसको पैरेलल यस अगर एट्रीब्यूट दे दिया तो वो पैरेलल एग्जीक्यूट होती थी, इसलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हटा दे पेन. एक मिनट. सो यहाँ पे अब स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस लगेगा आपको. अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. इसके जो एग्जीक्यूशन था ये थोड़ा फास्ट लग रहा है पहले जब एग्जीक्यूट किया था तब उससे. एकदम फ्रैक्शन बहुत कम टाइम है वो. जब हमारे पास एक्चुअली बहुत बड़ा कोड रहेगा उसमें तब हम क्लियरली देख पाएंगे उसको. सो ये दोनों में डिफरेंस है. सो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे ये जो भी कोड रहता है, अगर ये अगर इंट डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, सो अभी हम इस पूरे कोड को पैरेलली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और उससे जो भी एग्जीक्यूशन टाइम रहे उसको हम बचा सकते हैं थोड़ा बहुत. सो अगर आपके पास कोई ऐसा
एग्जाम्पल है जिसमें आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत टाइम लेती है, मतलब ये जो लोडर रहता है उसको लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप मुझे दिखा सकते हो, सो हम उस पर डिबग कर पाएंगे कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है इसे. ओके सो इसमें कुछ क्वेश्चंस ने ना अभी जो भी बताया मैंने. सो ग्लोबल फंक्शन अगर अपने को लिखना है ऐप में तो वो कहाँ पर प्लेस करने चाहिए मोस्टली, जैसे स्पार्क रहेंगे तो ओवरऑल अगर यूज करना. ग्लोबल फंक्शन तो मतलब ऐसे कोई रहेगा ही नहीं हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अभी अगर आपने कुछ कोड लिखना है जो कहीं पे यूज हो रहा है, ओके सो उसके हम कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं. For example, कोई डेट फॉर्मेट चेंज करना instantly, प्रिंट करने से पहले तो that time. So, मेरा भी वही वही that was my question. If suppose I wrote one function spark dot something manage API dot my name function name is demo. हाँ okay formula. The function name is something okay. So that is I included that particular thing in like suppose in backend. And I want to call that particular function in some application, in some app. So should I call it directly or there is a process for it? No, you can call it directly. So यहाँ पे भी जैसे सूरज ने बताया ना कि मुझे सूरज ने पूछा कि सॉरी अभिषेक ने पूछा कि मुझे कोई ग्लोबल फंक्शन बनाना है और उसको मैं कोई पे यूज कर रहा हूँ. सो जैसे कि यहाँ पे कॉमन डेट करके एक फंक्शन है, ये क्या करता है उसको डेट फॉर्मेट को डे स्लैश मंथ स्लैश फुल ईयर में कन्वर्ट कर देगा जो भी आपका डेट डेट पास करोगे. सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमारे पास जो भी ऐप यूज करोगे आप, एक तो मैनेज एपीआई रहते ही कॉमनली सारी जगह पे, या फिर आपके ऐप में जो भी एपीआई लाइब्रेरी होगी ग्लोबल वाली, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये फंक्शन ऐड कर सकते हो कॉमन डेट करके. वो फंक्शन क्या करेगा, जो भी ऑपरेशन आपका रहेगा वो परफॉर्म करके आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिटर्न कर देगा. सो अभी ये क्या होगा, ये स्क्रिप्ट ग्लोबल हो गई मेरी. सो इसको मैं कहाँ से भी कॉल कर पाऊंगा. ओके जैसे कि यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाए कॉमन डेट टाइम करके, सो ये इसमें टाइम भी ऐड कर देगा. ओके सो ये आप कोई भी मैनेज की स्क्रीन में आप यूज कर पाओगे, इससे इजी हो जाएगा आपको, मतलब बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है. सो फिर आल्सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट व्हाई व्हेन वी कैन यूज दिस टेम फॉर दिस एपीआई इन आवर मॉड्यूल. सो इन दैट केस वी हैव टू मेंशन दिस इज मॉड्यूल, दिस इज लिब लाइब्रेरी. सो कैन यू आल्सो एक्सप्लेन दैट एज़ वेल. ओके स्वप्निल, लेट मी जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन अनदर वे एज़ वेल. सो I am still trying to answer the Abhishek's question. Okay. So the question was to use global library or how do you create a global function, right? Yes. So first of all, the thing you guys have to understand, right? Is that when we are creating a JavaScript function, see, it's like a creating a JavaScript library. It has no SPA library has no difference from any other JavaScript library. If you look at it, it's just another JavaScript library, right? Swapnil, can you open that awesome JS app if you have in your just a minute. Yeah, just hold on. I am taking the control if possible. Let me request. Can I request control? And how to grant it? No, I don't see the request control. Okay, let it be. Just keep that. Yeah. Open. Yeah. Open all JS and open Sweet Alert or any other.
So you see, we have a, in all our projects, we have an app called as AwesomeJS app. Ideally, this is the app that ultimately gets used to generate the common JS file. So let's say you want to create a project specific, very specific to a project, a JS library. Now it could be any library, by the way. Okay, like in this case, we have put up Bootstrap and jQuery. Right? See, this jQuery module is nothing but jQuery JS code included in this app itself, the code of JS file, right? So it renders and creates a single JS file for us, right? And then this file is available across all our systems. So that's one approach. So you can create your global common JS file in app.js module, right? And it will get rendered and included in all your, I think, do we have a better example than this? Let me just check. Just give me a second. Yeah, so see this Bootstrap, or you know, if you can see these files, that how they have been included. Yeah, so let me share the screen for a second, Swapnil. Okay. So you see this, all JS. Yes. These three modules, right? Now let's look at these three modules. PWA, Swiper. So this Swiper is this Swiper JS library, the entire code is dumped here. Okay, the whole code is copy pasted and dumped here. Okay, similarly, Spark.js. PWA.js is a custom JS code that Swapnil has written, and this is here. Okay, just no script tag, no nothing, if you notice, just the code, right? Now this code, when you access this all JS, which is this URL, the site itself and do the control view for you. Most of you have seen this line, right? This line. Yes. So this line includes the jQuery, this includes everything, all the JS file. So you know, most people say you should combine your scripts and all those things, right? So this is how we combine our JS files. Okay, this is the combined JS file for you. Everything is here. Now, that being said, if you look at this library, see common API, like this common API library, right? Or root API library. This is where they might be. See this common API. Now our system allows multiple ways to do these things. Okay. Now I could have actually put this, right? I could have actually put this in our AwesomeJS module and used it there, or as part of our script tag anywhere. Now this library, anything put in scripts of code, right, is accessible across all our apps as long as they are not using custom layout. Okay, and you can also, of course, any of these modules in AwesomeJS is accessible via that CSS, this URL. So any of our modules, in any module, you can have a JS call. So you see this JS and CSS is available to you across all your script
synapse, all your apps, CSS will return out the CSS. Of course, it's not CSS, so it's not going to give you CSS. There is a typo in AwesomeJS. Yeah. Okay, that doesn't mean it only difference it does it, it converts this response into a this, you know, it says this is a where the heck? जो कहाँ पे देता है इसका रिस्पांस टाइप कंटेंट टाइप के रिस्पांस में भी कंटेंट हाँ सी दिस कंटेंट टाइप राइट सो कंटेंट टाइप इट चेंजेस ऑफ अ मॉड्यूल्स आउटपुट एंड अलाउज यू टू आउटपुट एनीथिंग एज अ सीएसएस और अ जेएस कंटेंट टाइप Again, so you can have a JS module and then include it. Now this module could have that your script tag. Remember, we are using this CDN dot. Do we have a CDN ka example? Yes, we have. We have plot. In plot, note, right? If you look at the single note, so अपना single note यही है ना? Single note का हाँ यही है। हाँ इसमें वो अपने editor के लिए CK editor। हाँ वो उसका include किया है editor पर अपने क्या किया? ये तेरा code है CK editor का। Model का नाम क्या है ये? ये नोट है नोट मॉड्यूल सो दैट वो उसमें ही होगी वो प्लॉट का जो भी लेआउट है ना उसमें वो लोड की गई रहेगी प्लॉट कॉन्फिग लेआउट में नहीं लोड किया रहेगा जस्ट चेक कर लेते एक मिनट ये तूने यहाँ पे किया था आई रिमेम्बर हाँ ये रहा ना सो सी दिस लाइन ओके आई एम जस्ट ज़ूमिंग इन सो दैट एवरीवन कैन सी इट क्लियरली वी हैव केप्ट एक्सएनएस सीके एडिटर 5 डॉट रन ओके नाउ दैट सीके एडिटर 5 इज अ स्पा लाइब्रेरी And it is accessible from CDN. I could show you that, yeah. So this is how we are doing global. Just so everyone understands why I'm showing you all this, is because I want you to, everyone to understand the, see this CK editor path, it is coming from cdn.getawesomestudio.com and look at this console output where the CK editor was loaded. So this was the code that was executed. Okay. CK editor 5.run. It added this root automatically. Okay. Then it executed this script. ठीक है सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इट फिगर्ड आउट दैट सीके एडिटर 5 इज अ सर्विस ऑन सीडीएन नाउ दिस इज अ ग्लोबल लाइब्रेरी यू कैन यूज एनीथिंग पुट एनी स्पा जेएस और जेएस लाइब्रेरी पुट ऑन सीडीएन राइट कैन बी यूज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट्स एनी सच थिंग दैट इज पुट ऑन सर्विसेज कैन बी यूज्ड विद इन मल्टीपल एप्स ऑफ अ प्रोजेक्ट और यू कैन ऑफकोर्स क्रिएट योर ओन स्पा लाइब्रेरीज इन टू these things apps right now most of you are not using all JS to its full potential
आइडियली वी शुड बी यूजिंग ऑल JS टू इट्स फुल पोटेंशियल, ठीक है. बट जैसा अभी स्वप्निल बता रहा था कि हम किसी भी कॉमन लाइब्रेरी में इंक्लूड कर सकते हैं. माई सजेशन वुड बी व्हेन यू आर सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट, फिगर आउट द कॉमन लाइब्रेरी फॉर द प्रोजेक्ट टू हैव कस्टम JS स्क्रिप्ट, एंड ऑफकोर्स ट्राई टू क्रिएट एज मच ऑफ ग्लोबल स्क्रिप्ट एज पॉसिबल, ओके, सो दैट वी आर श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग. सो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसे होता है कि हम लेआउट में ही वो एक लेआउट में एक मॉड्यूल कॉल करते हैं और उसमें से जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर देते हैं. सो उससे क्या होता है कि वो आप ऐप का कोई भी पेज एक्सेस करो उसमें वो सारी जावास्क्रिप्ट इंक्लूड होती है एज अ टेक्स्ट, ओके, हर रिक्वेस्ट पे आती रहती है. सो उससे वो पेज की साइज भी बढ़ जाती है और उसका रेंडरिंग भी स्लो हो जाता है उससे. अगर उसी केस में अगर आपने वो सारी जावास्क्रिप्ट अगर असम JS में रखी तो वो ब्राउज़र लेवल पे ही कैश हो जाती है और आपका पेज का साइज भी कम रहता है, ओके. सो और वो उतना ही फास्ट रेंडर भी हो जाता है फिर, क्योंकि स्पार्क को वो फिर से स्क्रिप्ट टैग्स को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं रहती है. या सो स्वप्निल कंटिन्यू विथ योर फ्लो. आई जस्ट वांटेड देम टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस वाज अ मिस्टेक लॉट ऑफ अस आर मेकिंग राइट नाउ. सो मैं जस्ट 5 मिनट लेता हूँ कि वो उसको हम कैसे रन ये कर सकते हैं एग्जीक्यूट. यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक लाइब्रेरी बना के दिखाता हूँ और उसके बाद हम और कर सकते हैं फिर सेशन. सो अभी यहाँ पे अगर मुझे कोई कॉमन लाइब्रेरी यूज़ करनी है ये यही पे मैं उसको ऊपर क्लिक कर क्रिएट करके देखा था. सो इस लाइब्रेरी में क्या किया गया कि spa.manage API करके मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसमें prerequisites नाम का एक फिर से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसमें css files नाम का एक वेरिएबल लग के उसमें कॉमा सेपरेटेड CSS की फाइल्स हम लिंक्स यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी किसी भी डोमेन से आप एक्सेस कर पाओगे. और CDN CSS में ये आपके CDN सर्वर से आएगी, वैसे ही जावास्क्रिप्ट का भी है. और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कि console.log समथिंग. तो इसको हम कॉल कैसे करेंगे ये एनीवेज ये मॉड्यूल में नहीं लिखेंगे हम हमारी लाइब्रेरीज, वो आपके ऑसम JS में लिख पाओगे या फिर किसी ग्लोबल जगह पे लिख सकते हो. अगर मुझे ये फंक्शन यूज़ करना है तो उसको यूज़ कैसे करते हैं spa.manage API.log और इसको या पे ऐसे एग्जीक्यूट करने से वो रन हो जाएगा, ओके. और इसको दूसरे तरीके से अगर रन करना है तो यहाँ पे जो core.conscript लिखा है ना मैंने उसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ manage API.log. manage API not accessible underscore. सो अभी इसने क्या एरर क्या दिया है, मैंने यहाँ पे हाइफन डाल दिया था. सो वो क्या करता है कि एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम ओरिजिन हैज़ ब्लॉक्ड बिकॉज यहाँ पे वो क्या करता है कि CDN सर्वर पे वो मैनेज हाइफन API चेक कर रहा है, ओके, जो अपने गेट ऑसम स्टूडियो यहाँ पे जैसे कि पहली लाइब्रेरी जो लोडर रहती है वो वहाँ से लेता है, बट ये मैनेज API वहाँ पे भी नहीं है. यहाँ पे वो टाइप हो गया था इसलिए तो यहाँ पे फिर से समथिंग डंप कर दिया, ओके. सो इसको हम इस तरह से भी रन कर सकते हैं एक्शन इक्वल टू यहाँ पे एक्शन देके और यहाँ पे आप पैरामीटर्स भी दे सकते हो बाहर, जैसे कि स्वाइपर स्लाइडर के आपने कोड देखा होगा कि उसमें स्वाइपर API.slider यहाँ पे आप सिलेक्टर पास कर सकते हो उसको.
और कोई भी दूसरे वेरिएबल्स या से आप पास कर पाओगे और इसमें वो मिल जाते हैं। ओके, इस तरह से आप वो लाइब्रेरीज बना सकते हो। प्रशांत सो उससे और कुछ बताना है फिर टाइम और को कोई क्वेश्चन है आपको you guys should start trying which is when you will hit the question yes thank you Swapnil for the in depth explanation welcome और भी अगर आपको कोई उसमें कर कुछ दूसरा टॉपिक है स्पा में उसको हम बाद में कभी शेड्यूल कर सकते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो ये एक क्वेश्चन बता सकते हैं क्या मतलब व्हेन वी कैन यूज स्पा लाइक व्हाट टाइम और कौन से सिचुएशन में यूज करना चाहिए 100% ऑल टाइम टाइम हम स्पा ही यूज करते हैं ठीक है तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहता मतलब स्पा यूज किया तो उसमें जावास्क्रिप्ट कुछ अलग तरीके से एग्जीक्यूट होगा ऐसे बिल्कुल नहीं है जो भी आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो वही इसमें भी लिख पाओगे ओके तो सारी जगह पे हम बेसिकली स्पा ही यूज करते हैं default is spa okay only where because you just saw the Swapnil explaining the behavior of when script executes and spa executes right so yes. in some scenarios you may need to use the pure script tag okay feel free to use it but as Swapnil pointed out by default across website we write the coding yes. only yes